अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने लैपटॉप या पीसी की जनरेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास लैपटॉप तो होता है या पीसी होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनका जो लैपटॉप या पीसी है वो किस जनरेशन का है। या आप बाय करने जाते हैं मार्केट से और आप चेक नहीं कर पाते, तो आपने इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जनरेशन कैसे चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस जो है वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे। अब आपने करना क्या है, आपने माई पीसी पे आना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप देखें जो प्रोसेसर है, इसके सामने जो लाइन है इसको आपने देखना है। इंटेल कोर और i7 है। अब मुझे पता है मेरा लैपटॉप i7 है, लेकिन जनरेशन कौन सी है वो नहीं पता। तो मैं यहाँ पे i7 के बाद जो डैश है उसके आगे जो हिस्सा है वो आपको बताता है कि आपका लैपटॉप जो है वो किस जनरेशन का है। तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर 2 लिखा हुआ है तो i7 है, लेकिन जनरेशन कौन सी है दूसरी है। अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये i7 है और 7th जनरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी की जनरेशन मालूम कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।